रिएक्शन मालूम गाइस ना होता है गाइस, आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस का बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और इसी रिस्पांस को देखते हुए हमने एक नया सेशन शुरू किया है जिसका नाम है अच्छा लोग गाइस। इस सेगमेंट में हम लोग हर हफ्ते जो है अलग अलग जगहों पर विजिट करेंगे और जो जो वहाँ की स्पेशलिटी होगी वो हम लोग ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ का टेस्ट कैसा है और प्राइस कैसे है। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वो मशहूर क्यों है आखिर। तो गाइस इस हफ्ते जो हमने मेन्यू सेलेक्ट किया है वो चीज़ ऐसी है कि कराची वाले दुनिया छोड़ देंगे लेकिन उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। आखिर वो चीज़ क्या है? चाय है क्योंकि कराची वालों का और चाय का चोली दामन का साथ है। सही बात है, क्योंकि चाय जहाँ चाय का नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ कराची वालों का नाम, क्योंकि कराची वाले चाय के लिए जो है मतलब पागल होते हैं और एक दिन में दो दो तीन दिन में एक एक इलाके के अंदर चार चार कैफे खुले हुए हैं। बिल्कुल, मतलब और फिर भी भरे हुए होते हैं, हड़ताल हो या ऑफिस टाइम हो कोई भी टाइम हो वो कैफे जो है ना भरे हुए रहते हैं। एक तरह का नशा हो रहा होता है चाय के होटलों में, पठान के चाय का नशा, पठान की चाय। तो गाइज आज हम लोग जिस जगह पे आए हैं उसका नाम है कैफ़े नूरी और ये है क्या नाम है हुसैनाबाद की तरफ है और हमारे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ की चाय बहुत मशहूर है तो हम लोगों ने आज यहाँ पे विज़िट किया और हम लोगों ने कहा चलो यार यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ की चाय कैसी है और हमने ऑर्डर तो कर दिया। अच्छा तो मोदी जो लोग कराची में रहते हैं वो लोग तो जानते होंगे कि कराची की जो हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड, जो जितनी भी चीज़ें हैं मतलब आप जिस चीज़ का नाम लेंगे खाने में आइसक्रीम हो यू नेम इट आइसक्रीम बर्गर हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो उसी स्ट्रीट में जो है लास्ट में बिल्कुल जो है वो नूरी कैफ़े जो है कैफ़े नूरी जो है वो वाकई है और हम लोग वहाँ पे आए हुए आज और देखते हैं अभी हम लोगों ने ऑर्डर करा है और देखते हैं कैसे चाय ऑर्डर की है। दूध पत्ती खास तौर पर इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, हमने वही ऑर्डर की है और मलाई लगवा के। तो फाइनली गाइस चाय आ गई है बिल्कुल और अब हम लोग ट्राई करते हैं देखते हैं कैसी है चाय। तो गाइस फाइनली चाय तो हमने पी ली है और चाय का टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मलाई मार के जो ली थी ना इस पठान ने बस अच्छा। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ का टेस्ट तो है ही अच्छा, इसके अलावा इनके रेट जो है वो बहुत कम है, सिर्फ 20 रुपीज़ की है दूध पत्ती और बेहतरीन टेस्ट है इसका। और मेरे ख्याल में अगर जो लोग करीब रहते हैं हुसैनाबादी स्वीट से वो लोग एक चक्कर लगाए यहाँ का, क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो लोग रोज़ आते होंगे वो। अच्छा यहाँ बहुत सारे लोग आते भी होंगे और ये रात क्या तक खुला रहता है, तकरीबन 1-2 बजे तक खुला रहता है बिल्कुल और चलते रहते हैं यहाँ। तो गाइस अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट कैफ़े के अंदर और वहाँ पर आप वहाँ की जो स्पेशलिटी होगी हम आपको वो दिखाएंगे। तो फिर चलते हैं किसी और मज़ेदार जगह पर, मजेंगे कराची में चाय सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है बेसिकली और आप किसी को भी देखेंगे किसी बंदे को तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो है चाय के शौकीन होते हैं तो इसलिए अभी होता है कि शुरुआत जो है वो चाय से करी जाए। कराची में जितनी भी मशहूर जो चाय की दुकान है जो हमारे दोस्तों ने सजेस्ट करा हम लोग तो हमने कहा सोचा कि वहाँ का हम लोग विजिट करें वहाँ की चाय पिए और आप लोग को बताएँ कि चाय का टेस्ट कैसा है और रेट कैसे है। तो हमने अपनी चाय ऑर्डर की है दूध पत्ती और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि इनके पास सिर्फ दूध पत्ती है, दूध पत्ती ठीक है। तो हमने अभी ऑर्डर किया और फिर देखते हैं कि इनकी चाय कैसी है। और ये जो जिस शॉप पर हम लोग आए हुए हैं ये है गुलशन इकबाल में ब्लॉक 2 में और इसका नाम है वहाँ सुफियाना कैफे। तो बस फाइनली चाय आ गई है और अब हम पी के बताते हैं आपको कि कैसी है चाय और अगर हमें अच्छी लगी तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेट यहाँ पे मुझे थोड़े ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे तो रेट बहुत सस्ता है, रेट मतलब कुछ भी नहीं है, 30 रुपीज़ मेरे घर में। हम लोग जो दूसरी जगह पर ज़्यादा है मेरे घर में, यहाँ पे रेट जो है वो रिजनेबल है, 30 रुपीज़ की एक दो पच्चीस मेरे घर में सही जा रहे हैं। चलो गाइस आज हम लोग जो सुफियाना कैफे में जहाँ की चाय हम लोगों को तकरीबन मतलब मेरे घर में बाकी जितनी चाय पी है उनमें से सबसे बेहतर चाय पी और कैफे ज्यादा ये लेवल की चाय है मेरे ख्याल में।
बाद आज का हमारा विजिट था कैफे सूफियाना का, जो कि हमने चाय पी यहाँ की, और काफ़ी मतलब मेरे ख्याल में जितनी हमने चाय पी है तो कैफे प्याला की और कैफे सूफियाना की, यहाँ की चाय हम लोगों को पसंद आई। मोहित तुम क्या कहोगे? चाय तो वाकई में बहुत अच्छी थी, नो डाउट। और मैं ये आपको आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जो है ट्राई करें इसको और यहाँ पर विजिट करें। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं कैफे प्याला पे, और कैफे प्याला का तो नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी मौजूद काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं चाय पीने के लिए, और खासतौर पर इनकी दूध पत्ती जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी भी दोस्त को अगर चाय पीने को तो वो कहते हैं कि कैफे प्याला करना, कैफे प्याला मतलब कराची में अगर चाय का नाम है तो कैफे प्याला की वजह। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को आप कराची में चाय के बारे में पूछे तो सबसे पहले और काफ़ी पुरानी भी है, इस वजह से कैफे प्याला का नाम आता है। अच्छा तो गाइस अब इंतज़ार हो रहा है चाय का हमने ऑर्डर कर दिया और कुछ देर में आ जाएगी, देखते हैं कि कैसा टेस्ट है यहाँ का। अच्छा रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ के रेट बहुत कम है, बाकी जो चाय वाले उनसे उनके मुकाबले में कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। और टेस्ट कैसा है ये तो पीने के बाद चलेगा, आपको किसी भी आ जाएगी चाय पी के देखते हैं ये टेस्ट कैसा है और फिर आपको बता। तो गाइस चाय तो आ गई है और अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसी लगी। तो गाइस हमने चाय तो पी ली जो कहा था आखिरी से, बिल्कुल और मौसम मेरे ख्याल में यार टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, टेस्ट तो बहुत अच्छा है। अगर हम रेट वाइज देखें ना तो यहाँ के टेस्ट बहुत अच्छा है, रेट वाइज रेट भी कम है और टेस्ट भी अच्छा है, जैसे हमने सुना था उसी तरह का ही सामने हुआ था। तो गाइस अब हम आपसे मिलेंगे किसी दूसरी चाय शॉप पर और वहाँ का रिव्यू करेंगे कि वहाँ की चाय कैसी है। और गाइस अब हम लोग मौजूद हैं कैफे सेशन में, और कैफे सेशन जो है बेसिकली ये नाजमाबाद में है, और यहाँ पर जो है काफ़ी दूध पत्ती जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी, तो हमने बोला क्यों ना यहाँ पर भी चक्कर लगाया जाए और यहाँ का टेस्ट देखा जाए, टेस्ट और रेट दोनों। दूध पत्ती ऑर्डर की है और हम आपको भी बताएंगे कि किस तरह कैसा लगा हमारा टेस्ट और आप लोग भी जो वैसे यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब जल्दी वगैरह काफ़ी अच्छी है और इन्होंने काफ़ी सारे मतलब ये है कि डेकोरेशन वगैरह करी हुई, काफ़ी लाइटिंग वगैरह लगी हुई है और गानों की आवाज़ें भी आ रही होंगी आप लोगों को पीछे साइड में, तो ये गाने वगैरह भी चल रहे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एनवायरनमेंट तो अच्छा है मगर रेट जो है वो अच्छे रेट ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें इसको कैफे प्याला से, कैफे प्याला के रेट जो है वो दूध पत्ती के 25 रुपीज़ है, यहाँ पे 60 रुपीज़ की है। और टेस्ट कैसा है वो तो अभी हमने ऑर्डर करा है, अब देखते हैं कि ऑर्डर किया। अच्छा तो गाइस फाइनली चाय आ गई है, ठीक है, और अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि ये चाय कैसी है। अच्छा तो भाई चाय तो पी ली है हम लोगों ने, मगर अब टाइम है रिव्यू का कि चाय थी कैसी। तो मेरे ख्याल में रेट तो उसके ज़्यादा थे मगर टेस्ट कैसा था वो मौसम में बताएंगे। यार देखो टेस्ट तो बहुत अच्छा था यहाँ का, ठीक है, चाय भी बहुत अच्छी है, रेट ज़्यादा थे लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की जेंट्री उसने कवर कर लिया। बिल्कुल रेट इसके ज़्यादा थे मगर इसकी जो यहाँ की एनवायरनमेंट है और जो जेंट्री है लोग आए हुए हैं, आप यहाँ पे अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारे पीछे भी काफ़ी सारी फैमिली बैठी है, आप दिखा नहीं सकते। और ऊपर भी सेपरेट जगह है, यहाँ पे चाय के अलावा और भी इनके पास चीज़ें होती हैं, कुछ फास्ट फूड वगैरह भी हैं लोगों के पास, चाय है, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, रिफ्रेशमेंट काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप लोग ये ऐसी जगह है कि आप लोग फैमिली को यहाँ पे ला सकते हैं, सेपरेट जगह आपको मिलेगी तो यहाँ पे एक अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं।